मुख्यमंत्री कमलनाथ ने धार के ढाई में आज 1085 करोड़ रुपए की माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि सिंचाई योजना आदिवासी नायक टंटिया भील के नाम से जानी जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री कमलनाथ का इंदौर संभाग के धार जिले के विकास खंड मुख्यालय डही का एक दिवसीय भ्रमण डही क्षेत्र को अनेक सौगातें दे गया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यहां लगभग 40 विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने डही उद्वहन सिंचाई योजना का भूमि पूजन भी किया। आदिवासी नृत्य के द्वारा कमलनाथ का स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि डही में बनने वाली यह उद्वहन सिंचाई योजना आदिवासी नायक टंटिया भील के नाम से जानी जाएगी। कितना परिवर्तन होगा हमारे धार की पहचान में, हमारे धार के चेहरे में। आज जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, मैं तो नौजवान आपको कहूंगा इसका पूरा फायदा उठाइए, किसी की गाड़ी चलवाइए, काम करवाइए, विभिन्न काम करवाइए, किसी को मजदूरी मिल जाएगी, पलायन से बच जाएंगे, इसका ये अर्थ है। और ऐसी योजना न केवल इसे दही सिंचाई योजना का नाम नहीं रखना चाहता, ये योजना हमारे स्वतंत्र संग्राम सैनिक सेनानी तांतिया भील, हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, उन्होंने संघर्ष किया, वो तो हमारे आदिवासी समाज के केवल हीरो नहीं है, वो तो हमारे सब हीरो है। हमने इस योजना का नाम तांतिया मापा सिंचाई योजना रखेंगे। ये हमारा फैसला है। आपने आकर मेरा खून तो 250 ग्राम बढ़ाया है और आपने ये बल और शक्ति दी, हमें मौका दीजिए। 14 महीने उम्र है, आप हमें बल और शक्ति देंगे, हम अपने नौजवानों के भविष्य के लिए एक इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आज इतनी बड़ी संख्या में आदिवासी जन यहां आए हैं, यह बल देखकर बहुत खुशी हो रही है, मेरा खून बढ़ गया है, अब हम सब मिलकर विकास का नया अध्याय लिखेंगे। आदिवासी समाज सहज सरल और मेहनतकश है, लेकिन विगत 15 वर्षों में उन्हें छला गया है। बोले वाले हैं पर सच्चाई समझते हैं, और यही मैं आपको बधाई देता हूँ। नौजवानों याद रखिएगा, बोलने वाले, घोषणा करने वाले, भड़काने वाले, आलोचना करने वाले बहुत आएंगे, पहचान लीजिए उन्हें, आपको तो सच्चाई का साथ देना है। आपने सच्चाई का साथ देने का उदाहरण बनाया है, इतिहास बनाया है, सच्चाई का साथ देते रहिए, यही सबसे बड़ी आपकी शक्ति है। लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, इतनी बातें शिवराज सिंह कहते थे यार, शिवराज सिंह जी की, और आप तो मोदी जी को सुनिए, मोदी जी को सुनिए, मोदी जी इतनी बड़ी बातें करते थे, नौजवानों के प्रति ये होगा, रोजगार होगा, ये तो पुरानी बात हो गई, 2 करोड़ रोजगार आएंगे, 2 करोड़ तो छोड़िए, 2 लाख का नाम लीजिए मोदी जी, कहते थे किसानों कृषि को मैं लाभ का धंधा बनाऊंगा, सबसे ज्यादा आत्महत्या तो पिछले 5 साल में हुई, और ये मोदी जी आज आप नौजवान की बात नहीं करते, आज नौजवान की बात नहीं सुन रहे उनसे, आप किसानों की बात नहीं सुन रहे मोदी जी से, मोदी जी क्या करते, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करेंगे आपका ध्यान मोड़ने के लिए, ये कुल मिलाकर कमलनाथ ने आदिवासियों को साधने के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, धार।